बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं फरहत और आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। जैसा कि आप खबरें देख रहे हैं कि तेलंगाना में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में लॉकडाउन दोबारा नाफिज करने की आवाज़ें भी उठ रही हैं। खबर ये भी है कि जल्द ही सेंट्रल टीम तेलंगाना का दौरा करते हुए यहाँ के हालात का जायजा लेगी। दूसरी तरफ पिछले लॉकडाउन की वजह से ही हमारे सामने कई तरह के मसाइल खड़े हैं जिनसे लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में न सिर्फ सियासी कायदीन बल्कि समाज की हर मौजूद शख्सियत आम जनता से दोबारा एहतियात बरतने घरों पर रहने की अपील कर रही है। खबर ये भी है कि दिन ब दिन बढ़ते केसेस से लोग नफसियाती मरीज बन रहे हैं। हम जानते हैं कि वक्त बुरा है, मुश्किल है, लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि हर मुश्किल के बाद राहत है। बस इस मुश्किल औकात में हमें सब्र से काम लेना है। जो ज़रूरी है वो एहतियात बरतें। एहतियात अगर हम नहीं बरतेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो दिन ब दिन केसेस आ रहे हैं उसमें आप बतौर नंबर शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, आप कोरोना वायरस की इस वबा के दरमियान एक नंबर बनकर घूम रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि आप अपने फैमिली के लिए सिर्फ नंबर नहीं हैं, सब कुछ हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हालात को समझेंगे और बेएहतियाती से काम नहीं लेंगे। तो आइए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस से आवाम खौफजदा, सेंट्रल टीम जांच के लिए आएगी तेलंगाना, महाराष्ट्र गुजरात का भी करेगी दौरा। बीजेपी एमएलए राजा सिंह के मजीद 2 ड्राइवर और 3 गनमैन हुए कोरोना पॉजिटिव, राजा सिंह ने सीएम केसीआर से रिपोर्ट देर से आने पर पूछा सवाल। शहीद कर्नल संतोष बाबू का सूर्यापेट में नसब किया जाएगा स्टैचू, मुजस्समे का काम तेजी से है जारी, हुकूमत तेलंगाना ने किया था वादा। हरिता हरम प्रोग्राम के 6वें फेज का सीएम केसीआर ने की शुरुआत, मेदक के नरसापुर एक्वा पार्क में लगाया पौधा, अर्बन फॉरेस्ट का भी किया इनॉग्रेशन। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में हरिता हरम के तहत सियासी व सामाजिक कायदीन ने लगाए पौधे, रियासती मिनिस्टर्स और एमआईएम लीडर्स ने भी लिया प्रोग्राम में हिस्सा। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती बेतहाशा कीमतों पर कम्युनिस्ट पार्टियां हुई बरहम, हैदराबाद में लेफ्ट पार्टीज ने दिया धरना, मोदी सरकार पर की जमकर तनकीद। और पेश है खबरों की तफसील। पिछले एक हफ्ते से तेलंगाना खासकर हैदराबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ने से लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई है। ऐसे में समाज का एक तबका दोबारा लॉकडाउन की बात कर रहा है तो दूसरी जानिब एक तबका हुकूमत से कारगर कदम उठाने का मुतालबा कर रहा है। इस दरमियान कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने दिल्ली से तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात अपनी टीमें भेजने का फैसला किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी की क़यादत में ये टीम इन रियासतों के दौरे पर रहेगी। 26 जून से लेकर 29 जून तक इस टीम का इन रियासतों के अहदेदारों के साथ बातचीत, कोऑर्डिनेशन और कोरोना से निमटने में किए जा रहे इकदाम पर कोऑर्डिनेशन रहेगा। बता दें कि तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 10,000 से तजावज कर गई है। बीजेपी एमएलए राजा सिंह के मजीद 2 ड्राइवर और 3 गनमैन के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले राजा सिंह का एक गनमैन कोरोना से मुतासर हुआ था। इसके फौरी बाद राजा सिंह और इसके घर वालों ने कोरोना टेस्ट करवाया था, लेकिन इनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। ताज़ा तौर पर राजा सिंह के 2 ड्राइवरों और 3 गनमैनों में कोरोना वायरस के अलामत पाए गए, जिस पर इन तमाम का टेस्ट करवाया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई। राजा सिंह के अमले के 5 दिगर अफराद का भी टेस्ट करवाया गया है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है। आज एक और मेरे ड्राइवर को पॉजिटिव आया है। बुलेट प्रूफ व्हीकल के 2 ड्राइवरों को अब तक पॉजिटिव आ चुका है और मेरे 3 गनमैनों को पॉजिटिव आ चुका है, और 20 जून के दिन मेरे 8 गनमैन और 2 ड्राइवरों ने चेकअप करवाया था और सिर्फ 5 ही लोगों की रिपोर्ट आई है और बाकी के 5 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है।
यानी इतने भय के वातावरण में उन गनमैन के परिवार वाले हो सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट कराने के बाद में भी उनके साथी गणों को पॉजिटिव आ रहा है, हमें भी शायद पॉजिटिव आ सकता है, ऐसे एक भय के वातावरण में गनमैन के परिवार वाले भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर एवं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी MLAs यानी जितने भी VIPs है जिनके पास गनमैन है, उन तमाम पुलिस के जो गनमैन है उनका चेकअप करवाएं इमीडिएट, और 48 आवर्स में उनकी जल्द से जल्द रिपोर्ट आने ऐसी व्यवस्था करें। 5-5 दिन हो रहे, 6 दिन हो रहे, उनका चेकअप होने के बाद में भी रिपोर्ट में पता नहीं चल रहा, और ऐसे कई पुलिस के कांस्टेबल है ऐसा ही है जो चेकअप कराने के बाद में भी उनकी रिपोर्ट का कोई पता नहीं चल रहा। तो पुलिस विभाग के लोगों के साथ इस प्रकार से हो रहा है, तो आम जनता की रिपोर्ट क्या हो रही है, कहां पे जा रही है, फिर तेलंगाना में सरकार किधर किस मोड़ पर जा रही है। मैं मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं, हेल्थ मिनिस्टर से सवाल करना चाहता हूं कि इतनी लापरवाही क्यों। वरंगल शहरी जिले से ताल्लुक रखने वाले करीब 125 जर्नलिस्ट का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 7 सहाफियों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर के ललिता देवी के मुताबिक इनमें से 5 अफराद को वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया और 2 दीगर अफराद को घर में ही क्वारंटीन किया गया है। बता दें कि महकमा सेहत ने हफ्ते और इतवार को वरंगल प्रेस क्लब में सहाफियों के टेस्ट किए थे। इन 7 सहाफियों के इस वबा से मुतासर पाए जाने के बाद रियासत से ताल्लुक रखने वाले कोरोना से मुतासर सहाफियों की तादाद बढ़कर 67 हो गई है। लद्दाख के इलाके गलवान में चीनी फौज के साथ हुए तसादुम में शहीद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल संतोष बाबू के मुजस्मे यानी स्टेचू की तैयारी का काम तेज़ी से किया जा रहा है, जो उनके आबाई ज़िला सूर्यापेट में नसब किया जाएगा। इनके मुजस्मे की तैयारी और तनसीब का ऐलान रियासती हुकूमत ने किया था। इस स्टैचू की तैयारी का काम पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले में हतमी मराहल में दाखिल हो गया है, जो सूर्यापेट के पुराने बस स्टैंड इलाके में नसब किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में 30 करोड़ पौधे लगाने, सरसब्जी व शादाबी में इजाफे के मकसद से शुरू करदा हरिता हरम प्रोग्राम के 6वें मरहले का आज से आगाज हो गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिला मेदक के नरसापुर एक्वा पार्क में पौधा लगाते हुए हरिता हरम के 6वें फेज की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर 630 एकड़ पर फैले हुए अर्बन फॉरेस्ट का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इस इलाके में घने जंगल की तैयारी के लिए यादादरी का मॉडल इख्तियार किया जाए। रियासत में सरसब्जी व शादामी में इजाफे के मकसद से मुतारिफ करदा हरिता हरम प्रोग्राम के 6वें मरहले का तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने आगाज किया। KTR ने आज सुबह भोईगुड़ा इलाके के GHMC पार्क में पौधा लगाते हुए इस प्रोग्राम का आगाज किया। KTR के साथ मिनिस्टर TC निवास यादव और GHMC मेयर बीर राम मोहन भी मौजूद थे। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने आज गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मुनाकदा हरिता हरम प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस मौके पर DGP महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार व दिगर सीनियर पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। मोहम्मद महमूद अली ने हरिता हरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हर एक आगे आए और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक ग्रीनरी नहीं रहेगी, जब तक हम अच्छी सांस नहीं ले सकते, ये होता है कि झाड़ों से हमें दिन भर ऑक्सीजन मिलते रहता है और ऑक्सीजन के बगैर कोई इंसान जी नहीं सकता। इसके लिए हमारे पर फर्ज बनता है कि हरिता हरम के प्रोग्राम को सक्सेस करें और घर घर हर घर में झाड़ लगाएंगे। हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट नंबर 1 स्टेट है और हमारे CM साहब भी नंबर 1 है। हर प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते हैं और उसका बल्कि आवाज भी करवाते हैं। इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहता हूँ कि शहर हैदराबाद की आबादी बहुत तेजी से फैल रही है। आज 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और झाड़ों की तादाद कम हो चुकी है और तेलंगाना बनने के बाद हर साल बढ़ाते बढ़ाते CM साहब ने इस साल 30 करोड़ झाड़ लगाने का टारगेट खत्म किया है और हम पर फर्ज बनता है कि इसको पूरा करें, क्योंकि कोरोना में भी हमें झाड़ों की वजह से बहुत से राहत मिल सकती है, क्योंकि इंसान को कोरोना डिजीज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस हरित आरम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, अपने घरों में झाड़ लगाइए, बाहर झाड़ लगाइए और सफाई का बहुत ख्याल रखिए।
महबूब नगर में 20 लाख पौधे लगाने के मकसद से आज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने हरिताहरम प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने महबूब नगर के मनियाम कोंडा के एक टेंपल के अहाते में पौधे लगाते हुए यहां हरिताहरम के छठे मरहले की शुरुआत की। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने आवाम से इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधे लगाने की अपील भी की। पत्थरघट्टी कारपोरेटर सुहेल खादरी ने भी आज हुकूमत तेलंगाना के हरिताहरम प्रोग्राम में शामिल होते हुए पौधे लगाए। उन्होंने मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर शजरकारी की। इस मौके पर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अलावा मजलिस के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। आजियागुड़ा कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने भी कारवान डिवीजन में हरिताहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। इस मौके पर कारवान डिवीजन के वार्ड मेंबर, एरिया सभा मेंबर और दीगर जीएचएमसी अहलकार मौजूद थे। इसके अलावा वार्ड में कोरोना से हलाक होने वाले अफराद को खिराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। आजियागुड़ा केसरी हनुमान के प्रांगण में हरिताहरम प्रोग्राम किया गया है, जिसमें वार्ड मेंबर भास्कर राव के नेतृत्व में और हमारे टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट चिरू जी, वार्ड मेंबर वेंकटेश्वर जी, एरिया सभा मेंबर नरसिंह राव जी, केशव जी, एरिया सभा मेंबर खन्ना जी और हमारे नरसिंह राव जी, साई सीनू, बहुत सारे सभी लोग, अभिषेक रंगन्ना, जो हमारा टीआरएस पार्टी का और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो सपना है बंगारू तेलंगाना का और हरिताहरम जो ग्रीन रेवल्यूशन जो हमारे तेलंगाना में लाने का हमारे मुख्यमंत्री का आदेश है, जो हर वार्ड में कम से कम 5,000 झाड़ों का निर्माण किया जाना चाहिए, उसका एस्टेब्लिशमेंट करना, तो इसी डायरेक्शन के आदरणीय हमारे केटीआर साहब का डायरेक्शन है। हर वार्ड में, हर प्रांत में, हर घर में, हर झाड़ का पौधे को लगा के झाड़ों का उत्पादन करना है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।